बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू टिक्का। इसके लिए हमें जो चाहिए 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून जरदाई रंग। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, इसके अंदर 1 प्याली दही, 1 प्याली दही को अच्छी तरह फेंटेंगे। इसके अंदर सिरका डालेंगे 1/2 प्याली। दही और सिरके को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ये तमाम मसाले, इसमें 2 टीस्पून टिक्का मसाला, ये सब मसाले इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इतना कि दही में लम्स ख़त्म हो जाएं। अब इस मसाले में ये टिक्का डालेंगे और अच्छी तरह हाथ से तमाम जगह मसाला लगाएंगे। इस तरह दूसरा टिक्का लेंगे, उसमें भी इसी तरह मसाला लगाएंगे, अच्छी तरह मसाला लगाएंगे तमाम टिक्कों में, और तकरीबन इसको आधा घंटे के लिए हम मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए, अच्छी तरह तमाम मसाला चिकन में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम कोयले में इसको सेकेंगे, ग्रिल पे रख के घी भी लगाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा टिक्का हो गया तैयार, और साथ में केचप से, साथ में केचप